Hello students, in our previous video we discussed distance formula. Now in this video we discuss some question that is related to distance formula. The first question is that find a point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, -9. Means you have to find a point on x-axis. आपको एक point find करना जो x-axis पर lie करता है, which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. मीन्स एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है और उसकी डिस्टेंस इक्वल है दो पॉइंट से, दैट इज 2, -5 एंड -2, -9. मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसकी इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0. ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. जो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाया करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0. तो P में एक पॉइंट मान लेता हूँ जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0. एंड द गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट से दो पॉइंट गिवन है जो इक्वी डिस्टेंस है x एक्सिस से, वो मैंने लेट कर दिए. A फर्स्ट पॉइंट दैट इज 2, -5 एंड सेकेंड पॉइंट -2, 9. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ PA एंड PB आर इक्वल. इट इज़ गिवन दैट बोथ द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस से दोनों जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे. इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस. मीन्स अगर मैं एक्स एक्सिस से फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस निकालूँ और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उससे सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस निकालूँ, तो दोनों आपस में इक्वल आएगी. और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो आपने पी माना है, तो पी ए की डिस्टेंस पी बी के क्या होगी, इक्वली गिवन है आपको. पी द डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. नाउ डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू पी बी मीन्स पी ए एंड पी बी की डिस्टेंस निकाली, तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आएंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 5 एंड -(-) दैट इज +5. x2 - x-2 का होल स्क्वायर एंड 0 + 5 का होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पी ए. सिमिलरली वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी बी, दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर. नाउ x + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. देयरफॉर वी स्क्वायरिंग बोथ साइड की स्क्वायरिंग करेंगे अगर, तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. देयरफॉर अवर सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज x - 2 raised to power 2, दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 दैट इज 9 का होल स्क्वायर. दैट इज -9 का होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर बोथ आर सेम. नाउ x - 2 का होल स्क्वायर, इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे a - b के होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab प्लस b² एंड 5 का स्क्वायर इज 25. देन x + 2 के होल स्क्वायर की अगेन आइडेंटिटी लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर की, a² + 2ab + b² एंड 9² इज 81. नाउ x² से x² कैंसिल आउट क्योंकि इक्वल टू का साइन है. इक्वेशन के सेकंड तरफ ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव x² एंड नेगेटिव x² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो x² से x² कैंसिल आउट. नाउ वी कलेक्ट द लाइक टर्म -4x, 25 + 4 = 29 इज इक्वल टू 4x एंड 81 + 4 दैट इज 85. नाउ लाइक टर्म को लाइक टर्म्स किससे कलेक्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, दैट इज -4x प्लस का 4x के इसको इक्वेशन के सेकंड तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -4x इज इक्वल्स टू 29 को सेकंड तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो 85 - 29. माइनस एंड माइनस सेम साइन ऑलवेज 8 एंड ग्रेटर साइन का सिंबल लगाते हैं, दैट इज -4 and -4 दैट इज -8x इज इक्वल टू 85 - 29 इज 56. नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, -8 multiply और इधर के डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर x इक्वल्स टू 56 / -8. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज -7 क्योंकि 8 के टेबल में 56 7 टाइम्स जाता है. सो द वैल्यू ऑफ x इज -7. हेंस अवर रिक्वायर पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7, 0. -7, 0 क्योंकि अपने p पॉइंट जो रिक्वायर पॉइंट है वो माना था x, 0 क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई करता है. और x की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया अपने, -7. सो अवर रिक्वायर पॉइंट p इज -7, 0. होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.